प्रणाम, हाय, खुशामद्दीन। मैं तो आदर हूँ सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल। मैं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है हर हिस्से का हिस्सा कामयाब। जी हाँ दोस्तों, बाकी पिक्चर का नाम थोड़ा अलग है और ये पिक्चर का नाम इस तरह रखा गया है हर किस्से का हिस्सा कामयाब, कि हर एक इंसान के कहानी होता है, एक सपना होता है और उनका एक बायोग्राफी होता है कि वो अपना सपना पूरा कर सके। वो इस पिक्चर में दिखाना चाहते हैं पिक्चर के डायरेक्टर जो है हमारे हार्दिक मेहता। जैसे पिक्चर के डायरेक्टर इस तरह कहना चाहते हैं कि जितने भी पिक्चर में सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि जो साइड एक्टर जो होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स जो होते हैं, उनके मन में एक फीलिंग होता है कि वो भी काफी अच्छा फेमस एक्टर बने या तो फिर काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टर बने, यही चाहते हैं। जैसे पिक्चर के ट्रेलर में कुछ बात को देखने को मिलेगा, जिस पिक्चर में लीड रोल कर रहे हैं वो है संजय मिश्रा, जो काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर रह चुके हैं काफी पिक्चर में, पुराने से लेकर नए तक। बस उन्हें बेस करके उनकी एक बायोग्राफी की तरह इस पिक्चर में से दिखाया गया है, ताकि वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरा 500 मूवी पूरा करें। जितने भी उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग किए हैं उसमें 500 नंबर वाला पिक्चर एक्टिंग और काफी अच्छा ब्रेक मिले और काफी अच्छा फेमस हो, ये चाहते हैं उनके मन में। जैसे ट्रेलर आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा कि एक उनका इंटरव्यू ले जाता है जिसमें एक लड़की उन्हें कहती है कि मैंने आपका पूरा रिकॉर्ड निकाला जिसमें आपने अब तक 499 मूवी आपने किए, बस आपको एक किए हैं। तो उनके मन में एक इच्छा जागता है कि मैं पूरा 500 से कर दूं और काफी अच्छे पिक्चर से करूं, काफी अच्छे मेरे को रोल मिले और काफी अच्छा ब्रेक मिले और काफी मैं अच्छा फेमस हूं। बस इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स उनके साथ जो हैं इस पिक्चर में, जो बाकी पिक्चरों में भी सपोर्टिंग एक्टर की एक्टिंग कर चुके हैं या साइड एक्टर के रोल कर चुके हैं, ताकि उनके ऐसा एक साइड एक्टर का जो फीलिंग होता है जो मन में, वो दिखाया गया है इस पिक्चर के ट्रेलर में। शायद पूरे पिक्चर में भी इस तरह दिखाने की कोशिश की गई है। जब पिक्चर रिलीज होगा तब पता चलेगा, जब 6 मार्च को अगले महीने जब रिलीज होगा। दरअसल पिक्चर के डायरेक्टर जो है काफी अच्छे प्रेजेंट किए आपको ट्रेलर में देखने को मिलेगा, कि जो उनके बेटी है और उनकी बेटी की बेटी भी है ना, उनकी पोती भी हो चुकी है, पर उनके मन में एक इच्छा है कि अभी भी हर जवान की तरह पिक्चर में एक्टिंग करे और अपने एक नाम बनाए और अपनी एक पहचान बनाए इतने बुढ़ापे की उम्र में भी। बाकी हर एक इंसान में एक चाहत होता है, जब उनका सपना पूरा नहीं होता है तो उनके जब तक उनका सपना पूरा नहीं होता उसी चाहत के पीछे पड़े रहते हैं। बस इसी तरह है, एक फीलिंग को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई इस पिक्चर के ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा शुरुआत से लेकर एंड तक। तो भी वो अपने हार नहीं मानते, बस किसी भी हालत में वो करना चाहते हैं। और इस पिक्चर उनके सपोर्टिंग एक्टर के दौर में जो काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर कह सकते हैं दीपक दबोरियाल, काफी पिक्चर में आजकल के नए पिक्चर में आपको उन्हें काफी देखने को मिलता है, उसी तरह इस पिक्चर में भी उन्हें सपोर्टिंग एक्टर दिखा रहे हैं, ताकि वो भी उनका साथ देते हैं, ताकि उन्हें किसी भी हालत में 500 वाला मूवी उनको चांस मिले और काफी अच्छा उसमें उनको रोल मिले। बस यही चाहते हैं उनकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी। वाकई काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है इस ट्रेलर में, काफी अच्छा दिखाया गया है। जबकि इस पिक्चर रिलीज होने वाले रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर पे देखते हैं जब रिलीज होगा तो अगले महीने 6 तारीख को। तो क्या कहना चाहते डायरेक्टर और जो हमारे संजय मिश्रा काफी अच्छा एक्टिंग तो करते हैं कॉमेडी से लेकर थोड़ा सपोर्टिंग एक्टर्स भी, तो देखते हैं इस पिक्चर में कैसे एक लीड रोल के तौर में किस तरह उन्होंने एक्टिंग किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रूबरू कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो रूबरू आपको खबर होता रहेगा। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।